जनता पर लादा गया मालमत्ता टैक्स बाड़ू का आम आदमी पार्टी तीव्र विरोध करता है। 30 नवंबर को आयोजित पत्र परिषद दौरान जनता पर होने वाले अन्याय को दूर करने की मांग की गई। इस वक्त आम आदमी पार्टी संयोजक प्रशांत हिरने ने बताया कि महानगर पालिका द्वारा जो वाढ़ू मालमत्ता दर जनता पर लादा गया है और जोन क्रमांक एक में जो वाढ़ू मालमत्ता के डिमांड लोगों तक पहुंचे हैं, उस डिमांड की हेरिंग शुरू होकर हमारे ध्यान में आया कि जनता पर जो टैक्स लादा गया है वह अन्यायकारक है। जो 16-17 तक या 16-17 के बाद लागू किया जाना चाहिए था वह 15-16 से ही लागू किया जा रहा है। साथ ही महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 के अंतर्गत इन्हें ज्यादा से ज्यादा 40% तक टैक्स बढ़ोतरी कर सकते हैं, परंतु जिनका टैक्स 1000 रुपए आता है उन्हें 5 से 6 हजार तक टैक्स आ रहा है। इसी के तहत आने वाले 3 दिसंबर को आजाद बाग से भव्य मोर्चे का आयोजन कर जनता का यह विषय महापालिका तक पहुँचाया जाएगा। साथ ही इस वक्त उन्होंने बताया कि जनता पर किया गया अन्याय दूर करे, अन्यथा आगे के आंदोलन के लिए तैयार रहे। मांगे पूरी न होने पर उपोषण आमरण उपोषण का रास्ता अपनाया जाएगा। फिर भी मांगे पूरी न हुई तो जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। पत्र परिषद दौरान आम आदमी पार्टी संयोजक प्रशांत हिरने ने जनता को इस भव्य मोर्चे में शामिल होने का आह्वान किया है। मी प्रशांत हिरने, संयोजक आम आदमी पार्टी। महानगरपालिकेद्वारा जो वाढीव मालमत्ता कराचा बोजा सर्वसाधारण जनतेवर लादलेला आहे आणि झोन क्रमांक एकमध्ये ज्या वाढीव मालमत्ता कराच्या डिमांड लोकांपर्यंत पोहोचलेल्या आहे त्या डिमांडची हेअरिंग चालू असताना आमच्या अशा निदर्शनास आलं की जनतेवर हा जो टॅक्स लादलेला आहे तो भयंकर अन्यायकारक आहे। जो 16-17 पर्यंत लागू व्हायला पाहिजे, 16-17 नंतर लागू व्हायला पाहिजे, तो आधीच लागू करून 15-16 लागू करून राहिले आहे। आणि शिवाय महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 अंतर्गत यांना जास्तीत जास्त 40% टॅक्स वाढ करता येते, पण ज्यांचा टॅक्स 1000 रुपये येत होता त्यांना 5-5 हजार, 6-6 हजार रुपये टॅक्स येत आहे आणि त्यांना अधिकार फक्त 1000 रुपयाचा फक्त 1400 रुपये टॅक्स करायचा अधिकार असताना हे 1000 रुपयाचा टॅक्स 5-5 हजार, 6-6 हजार रुपये कसे देऊ शकतात हा जनतेला प्रश्न आहे। त्याच माध्यमातून आम्ही जनतेला जागृत करून येत्या 3 तारखेला दुपारी 1 वाजता आझाद बगीचापासून भव्य मोर्चाचे आयोजन करून जनतेचा विषय महापालिकेपर्यंत पोहोचवतो। महापालिका आयुक्तांना आम्ही हा जाब विचारणार आहोत की बा हा जो अन्याय तुम्ही जनतेवर केला आहे याला तुम्ही मागे घ्या, अन्यथा पुढच्या आंदोलनासाठी तयार राहा। आम्ही पुढे जर ही मागणी आमची मान्य झाली नाही तर पुढे उपोषण, साखळी उपोषण, त्यानंतर जर मागणी झाली तर आमरण उपोषण करून, जर आमरण उपोषण मागणी जर आम्हाला मान्य झाले नाही ही मागणी तर आम्ही जनहित याचिका हायकोर्टामध्ये टाकू, अशा प्रकारचं आमची तयारी आहे। येत्या 3 तारखेला जनतेला आव्हान आहे की येत्या 3 तारखेला आझाद बगीचामध्ये आपण एकत्र या, दुपारी 1 वाजता आम्ही भव्य मोर्चाच्या माध्यमातून महापालिका आयुक्तांना मोर्चा नेणार आहोत आणि आपली मागणी मांडणार आहोत। धन्यवाद।